एवरीवन, हम सब के कुछ ना कुछ सपने होते हैं लाइफ में, कुछ बड़ा और अच्छा करने के। और कुछ लोग अपने सपने पूरे कर लेते हैं और कुछ के रह जाते हैं, कभी घर के हालातों की वजह से और कभी हमारे कुछ गलत डिसीजंस की वजह से। और इन सब की वजह से हम अपना आत्मविश्वास खो देते हैं खुद पर से। क्या आपका भी आत्मविश्वास कमजोर है? आप खुद पर विश्वास नहीं कर पाते? हमारा आत्मविश्वास बनता है हमारी फिजिकल इमेज, यानी कि हम कैसे दिखते हैं, कैपेबिलिटीज यानी कि हम क्या क्या कर सकते हैं और हम सक्सेसफुल होने के लिए क्या क्या सोचते हैं उनसे। अगर ध्यान से सोचा जाए तो ये बनता है हमारी सोच से, जो हम खुद के लिए रखते हैं, मतलब हमारे ओपिनियन से। कुछ लोग काफी ब्लेस्ड होते हैं, उन्हें घर का बाहर का एनवायरनमेंट ही ऐसा मिलता है कि उनका आत्मविश्वास हमेशा बढ़ा ही रहता है। पर कुछ लोगों के साथ ऐसा नहीं होता, उनके लिए हर चीज मुश्किल होती है। पर ऐसा भी नहीं है कि हम अपने हालातों की वजह से रुक जाएं और कमजोर पड़ जाएं। हम अपने हालातों से लड़कर भी अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। तो आज कुछ टिप्स दूंगी आपको, जिससे आप दोबारा से खुद पर विश्वास करना स्टार्ट कर दोगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले, दूसरों के साथ अपना कंपैरिजन करना बंद कर दो। कभी कभी कंपैरिजन करना अच्छा भी होता है, जब हम खुद को इम्प्रूवमेंट की ओर लेकर जाते हैं और किसी से इंस्पायर होकर अपने में पॉजिटिव चेंज लाते हैं, तो ये अच्छा है। पर कभी कभी हम दूसरों को देखकर इतना परेशान हो जाते हैं कि हमें लगता है कि हर चीज हमारे साथ ही गलत हो रही है। दूसरे तो खुश हैं, पर हम वहाँ दूसरों की बाहरी खुशी देख रहे होते हैं। हम तो जानते ही नहीं हैं उन्हें कि वो घर के अंदर या अपनी पर्सनल लाइफ में कितने हैप्पी हैं। हम बस बाहर से देखकर अपना आत्मविश्वास खत्म कर लेते हैं उनके चक्कर में। जैसे आजकल सोशल मीडिया में हम कितने कपल्स को देखते हैं कि वो कितने हैप्पी हैं अपनी लाइफ में, खुश रहते हैं, इंजॉय करते हैं, और हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं होता? हम तो ऐसे नहीं हैं। फिर हम सोचते हैं, क्या हम अच्छे कपल नहीं हैं? क्या हम प्यार नहीं करते? ये सब सोच सोच कर हम खुद पर विश्वास करना खत्म कर देते हैं। हम ये भूल जाते हैं जिन्हें देखकर हम ये सब सोच रहे हैं, उनकी पब्लिक और पर्सनल लाइफ अलग अलग है। लोग जो दिखाते हैं वैसे असल में होते नहीं हैं। थोड़े दिन में आपको भी उनका पता चल जाता है कि अब तो उनका ब्रेकअप हो गया, जिनकी वजह से मैं इतना परेशान हुआ और अपना टाइम भी वेस्ट किया खुद पर बिलीव ना करके। इसलिए हमेशा चीजों को समझो, ध्यान से देखो और खुद पर पूरा विश्वास रखो। दूसरों को देखकर अपने आत्मविश्वास को कमजोर ना होने दो। परफेक्ट बनने के चक्कर में सब कुछ खोने मत दो। मुझे पता है आप सब कुछ बेस्ट से बेस्ट करना चाहते हो, हार्ड वर्क करके अपने गोल को पूरा भी करना चाहते हो, पर कैसे पता चलेगा कि इस चक्कर में कभी कभी आप हद पार भी कर देते हो। अब आप सोचोगे वो कैसे हुआ होगा। कभी आप टालमटोल भी करते होंगे काम को लेकर, आप रेस्टलेस भी फील करते होंगे इस चक्कर में, और तो और डर की वजह से काम भी करते होंगे, और इन सब की वजह से आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाता होगा आपका। ये सब साइन है उन लोगों के जो खुद को हर जगह परफेक्ट दिखाना चाहते हैं और ट्राई करते हैं कि मेरी लाइफ तो परफेक्ट है, पर वो ये नहीं जानते कि इससे उनकी मेंटल हेल्थ खराब होती है। इसलिए ज्यादा पाने के चक्कर में ना पड़े, इस परफेक्शनिज्म यानी कि परफेक्ट बनने से बाहर निकले। खुद को जाने, अवेयर रहें कि मुझ में ये टेंडेंसी है कि मुझे हर चीज परफेक्ट चाहिए। खुद को अलाउ करें कि मिस्टेक पार्ट है लाइफ का, वो होगी ही होगी, और रीजनेबल गोल सेट करो जो आप आराम से अचीव कर पाओ। तब देखना कभी भी आपका आत्मविश्वास कमजोर नहीं पड़ेगा। जानो आप किस चीज में बेस्ट हो और उसे डेवलप करो। जब आप किसी चीज में बेस्ट होते हो तब आपका आत्मविश्वास कैसे हेल्प करता है आपको, तब लाइफ को आप डिफरेंट वे में देखते हो, आपका खुद पर विश्वास बढ़ता है, क्योंकि आप जानते हो कि मुझे तो ये चीज आती है, मैं ये जानता हूँ,
आप फुलफिलिंग फील करते हो और तो और आसपास के लोगों को भी आप इंस्पायर करते हो। इससे ये चीज आपका आत्मविश्वास बढ़ाती है। आप कैसे अपनी एबिलिटीज का पता लगा सकते हो कि आप में क्या बेस्ट है? खुद से पूछो क्या करना अच्छा लगता है और देखो कुछ चीजें होंगी लाइफ में जो आप पहले करते थे जिससे खुश रहते थे। वो कुछ भी हो सकती हैं, राइटिंग, ब्लॉगिंग, कुकिंग, एक्सपेरिमेंट, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो वो एक्टिविटीज करो। ये सब करने से आप अपने अंदर नए नए टैलेंट भी ढूंढ पाओगे जो आपको अभी तक पता नहीं थे। खुद की स्ट्रेंथ्स को ढूंढो। ये चीज आपको कॉन्फिडेंस के साथ साथ लाइफ जीने का मकसद भी बताएगी। एक बात हमेशा याद रखना, लाइफ में दूसरों को देखकर उनको फॉलो करके कुछ स्टार्ट मत करना, इससे आपका आत्मविश्वास गिर जाएगा। खुद की स्ट्रेंथ और इंटरेस्ट ढूंढ कर ही स्टेप उठाओ और फिर देखो कहां से कहां तक पहुंचोगे। जब हम किसी चीज के बारे में जानते हैं तब हम उसे अच्छे से कर पाते हैं। उन चीजों पर फोकस करो जिन्हें आप चेंज कर सकते हो और वो आपके कंट्रोल में हैं। हर वक्त वरी करना अच्छा नहीं होता, वो एक पॉइजन जैसा होता है जो आपके अंदर चलता रहता है, जिसमें आप ट्रैप हो जाते हो और उसकी वजह से आपको लगता है कुछ अच्छा नहीं होगा, कोई प्रोग्रेस नहीं होगी, ये बिलीव करने लग जाते हो। चाहे कुछ पॉजिटिव हो भी रहा हो फिर भी बजाय इन नेगेटिव थॉट्स को सोचने के आप ये सोचो कि आप क्या चेंज कर सकते हो। ऐसी सोच को बदलने के लिए आपको देखना होगा क्या सोचने से काम होगा और क्या सोचने से नहीं होगा। अपनी सोच को दो हिस्सों में बांट दो। जब आप ये समझ जाओगे तब आप अपनी वरीज को मैनेज करना भी सीख जाओगे। इससे आप ज्यादा कॉन्फिडेंट भी फील करने लगोगे खुद की चॉइसेस और एबिलिटीज को लेकर। अब क्या डिफरेंस है इन दो तरह की सोच में? एक है अनप्रोडक्टिव वरी, जिसे सोचने से कोई काम नहीं होगा। इसमें हम हर वक्त ये सोचते रहते हैं अगर ये ना हुआ वो ना हुआ, हमारा फोकस सिर्फ वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन ढूंढने में ही लगा रहता है, बिना किसी सॉल्यूशन को सोचे ही हम ये सब सोचते रहते हैं। पर प्रोडक्टिव वरी यानी कि क्या सोचने से काम होगा, इसमें हम प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें ये सोचते हैं, सिचुएशन को कैसे रिजॉल्व करें, एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन को ढूंढते भी हैं डिफरेंट वेज से। इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। एक चीज याद रखो, छोटे से छोटे स्टेप लेने से ही हम कुछ अचीव कर पाते हैं लाइफ में। पहले डर लगता है कैसे करेंगे, फिर हो जाता है। बस खुद के साथ काइंड रहो। मिस्टेक करोगे आप पर सीखोगे भी उसके साथ साथ। आत्मविश्वास बहुत जरूरी होता है आगे बढ़ने के लिए लाइफ में। जब आप खुद पर विश्वास करना छोड़ देते हो तब सारी होप बंद हो जाती है सक्सेसफुल होने की। इसलिए प्लीज कभी भी गिव अप ना करें। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं इन टिप्स से। अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो तो प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हैं आप, क्योंकि खुद पर विश्वास करना बहुत जरूरी है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। इस चैनल का मकसद है कि हर कोई साइकोलॉजी को समझ पाए और अपनी लाइफ अच्छी कर पाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लव योर लाइफ। थैंक यू।